आज बात ज़ेलेंस्की की तरफ से दिए गए बहुत बड़े सरप्राइज की। पुतिन के कादिरफ के मुकाबले में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का कादिरफ उतार दिया है। ज़ेलेंस्की का कादिरफ ज्यादा खूंखार बताया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन का कादिरफ भी मौजूद है और उसने पुतिन को मारने की कसम खाई है। ज़ेलेंस्की ने नया वीडियो बनाया है। ज़ेलेंस्की के वीडियो में बहुत जोश है। ज़ेलेंस्की ने नए वीडियो में रूस को खत्म करने की कसम खाई है। इस एक मिनट के वीडियो में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिली M777 तोप से लेकर हिमार्स के रॉकेट हमले दिखाए हैं। ज़ेलेंस्की ने बहुत ही घातक माने जाने वाले स्नाइपर अटैक से लेकर जर्मनी से मिले बहुत ही खास लेपर्ड टैंक की बमबारी भी दिखाई है। लेकिन इस वीडियो में ये कमांडर ज़ेलेंस्की का कादिरफ कहा जा रहा है। क्या ये वाकई में ज़ेलेंस्की का कादिरफ है? इस कमांडर का नाम क्या है? इसकी पहचान क्या है? ज़ेलेंस्की का ये कमांडर हथियारों की ताकत दिखाकर यूक्रेन के नौजवानों को बता रहा है कि देश की फौज को उनकी जरूरत क्यों है। ज़ेलेंस्की का ये कमांडर कैसे जोश दिला रहा है, बहुत गौर से देखिए। खरीदने से मिला मात्र उस बोझ होते सश ने बसने लाउसलवीजे я иду знищувати. इन बातों से ज्यादा इसमें ज़ेलेंस्की के कमांडर पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। सब पूछने लगे हैं कि क्या ये वाकई ज़ेलेंस्की का कादिरफ है? ठीक वैसी शक्लो सूरत, ठीक वैसी ही आवाज और वैसा ही जोश भरने वाला अंदाज। सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की को अपना कादिरफ मिल गया है? जो पुतिन के कादिरफ जितना ही खतरनाक है, जो पुतिन के कादिरफ जितना ही खूंखार है, जो दुश्मन को गोली से ज्यादा अपने खौफ से मार डालेगा। इस कमांडर का नाम क्या है? इस कमांडर की बातों को कैसे यूक्रेन के सैनिक दोहरा रहे हैं? इस कमांडर में ऐसा क्या जादू है कि यूक्रेन के फौजी अब अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है? ये वो सवाल हैं जो इस कमांडर की तुलना पुतिन के कादिरफ से कर रहे हैं। एक तरफ पुतिन का कादिरफ और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का कादिरफ। युद्ध में एक छोटी फौज भी बड़ी फौज को हरा सकती है, बस फर्क सिर्फ कमांडर का होता है। ज़ेलेंस्की अब अपनी फौज में इसी कमी को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो ले आए हैं अपना कादिरफ। ज़ेलेंस्की का कादिरफ यानी यूक्रेन की फौज का यह कमांडर बता रहा है कि कैसे रूस की सेना ने उनके देश पर कितना जुल्म किया है। बुचा से लेकर मारियोपोल और बखमूत के हमलों की याद दिलाई जा रही है और फिर बहुत जोश के साथ बदला लेने का इरादा। ये ज़ेलेंस्की का नया माइंड गेम है। Нехай рука моя буде твердою, щоб вбивати ворогів. Нехай око моє буде ясним, щоб вбивати ворогів. Нехай зброя моя буде справною, щоб вбивати ворогів. Нехай воля моя буде сталь, щоб вбивати ворогів. Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть наш рішучий наступ, нашу священну помсту, нашу святу перемогу. ज़ेलेंस्की नए फौजियों की भर्ती करना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की नई फौज बनाना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की बखमूत के बाद दूसरे मोर्चे को बचाना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर यूक्रेन को ऐसा वीडियो जारी करने की नौबत क्यों आई? इसे ज़ेलेंस्की की नई ताकत समझा जाए या फिर ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी कमजोरी? क्योंकि यूक्रेन में कई मोर्चों से छन छन कर आने वाली रिपोर्ट अक्सर सच कम और झूठ का पुलिंदा या कहें कि प्रोपेगेंडा ज्यादा होती है, इसलिए सही और पुख्ता आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ
सिर्फ बखमूत के फ्रंट से रिपोर्ट है कि यूक्रेन की हर कंपनी के 80% सैनिक मारे जा चुके हैं। नुकसान रूस को भी हुआ है, लेकिन 80% का मतलब है कि बखमूत में तो जेलेंस्की की फौज करीब करीब खत्म ही हो चुकी है। युद्ध से पहले यूक्रेन के पास 5 लाख की फौज थी, जिसमें 2.5 लाख रिजर्व के सैनिक थे। अब अमेरिका से लेकर कई पश्चिमी देशों की एजेंसियों की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के 1 से 1.5 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने कभी अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन अब ये वीडियो बता रहा है कि जेलेंस्की बहुत दबाव में है। जेलेंस्की अब अपने कादिरव को मैदान में उतार चुके हैं। जेलेंस्की को एक कादिरव जैसे कमांडर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और बखमूत के नुकसान के बाद उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि यूक्रेन की फौज की तादाद घटती जा रही है। पुतिन की सेना ने उन्हें चुन चुन कर मारा है। Надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации, в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Здесь необходимо... यूक्रेन की फौज जमीन पर रूस का मुकाबला नहीं कर पा रही, यही वजह है कि अब यूक्रेन का पूरा फोकस एयरफोर्स और हवाई हथियारों पर है। और इनमें सबसे नया नाम है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का। ये मिसाइल फाइटर जेट से फायर की जाती है। ब्रिटेन से मिले इस मिसाइल को लेकर जेलेंस्की का जोश बहुत हाई है, और अब उन्हें यकीन है कि इस मिसाइल से वो रूस को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन इस मिसाइल की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर पुतिन की खास नजर है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की तरफ से दागी गई 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। इसके अलावा हिमार्स से दागे गए रॉकेट और एंटी रेडार मिसाइल हाम को भी आसमान में खत्म कर दिया है। पुतिन की फोर्स ने यूक्रेन के 12 ड्रोन भी मार गिराए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। На солидарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров. Подразделениями вооруженных сил Украины было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих. स्टॉर्म शैडो मिसाइल नेटो का बहुत ही खास हथियार मानी जाती है, जो यूरो फाइटर टाइफून से लेकर राफेल और क्रिपन से लेकर टॉर्नेडो और मिराज फाइटर से भी लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने का मतलब है कि जो हथियार अमेरिका ने भी जेलेंस्की को नहीं दिया, उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल तो ब्रिटेन ने जेलेंस्की को थमा दी है। इस स्टॉर्म शैडो का जो वर्जन जेलेंस्की को मिला है, उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास इतनी लंबी रेंज की कोई मिसाइल नहीं है। जेलेंस्की ने इससे रूस की सेना के ठिकानों पर तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। लुहांस्क में इसी मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया, और ये मिसाइल एक अपार्टमेंट पर जाकर गिरी। मलबे के बीच में से ये टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा है ये पार्ट सिर्फ स्टॉर्म शैडो में इस्तेमाल करने के लिए है। एक स्टॉर्म शैडो की कीमत 23 करोड़ रुपए है, लिहाजा ये बहुत ही महंगी मिसाइल है, और इसका टारगेट भी बहुत खास होना चाहिए। लेकिन यूक्रेन इसको सही तरीके से अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाया है, जिसमें उसने रूस के किसी बड़े हाई वैल्यू टारगेट को उड़ाया हो। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस मिसाइल से घबरा गया है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जरूर है, लेकिन रूस का दावा है कि वो इसे इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा है। यानी उसे इसे आसमान में ही ट्रैक करके मार गिराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। स्टॉर्म शैडो कैसे काम करती है, बहुत गौर से देखिए। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को यूक्रेन सुखोई 24 विमान से फायर कर रहा है। सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है। ये फाइटर जेट टारगेट से 250 किलोमीटर दूर इस मिसाइल को लॉन्च करता है। उसके बाद ये मिसाइल अपने पहले से तय फ्लाइट पाथ पर उड़ते हुए टारगेट के करीब पहुंचती है, और हमले से एन पहले स्टॉर्म शैडो एक ऊंचाई तक जाती है, और फिर डाइव करके अपने टारगेट पर हिट करती है।
इस मिसाइल की डिलीवरी में कोई ब्रेक ना लगे, इसे पक्का करने के लिए खुद ज़ेलेंस्की ब्रिटेन गए और साथ में कई और हथियारों की डिमांड की। देखा जाए तो हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की की ये बेकरारी सिर्फ ब्रिटेन से ही नहीं है, ज़ेलेंस्की तो पुतिन को हराने के लिए पूरे यूरोप और नेटो से हथियार मांग रहे हैं। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने यूरोप के 4 देशों का एक्सप्रेस दौरा किया। ज़ेलेंस्की सबसे पहले इटली गए, इसके बाद ज़ेलेंस्की फ्रांस भी गए और जर्मनी भी गए, फिर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के भी दौरे का फैसला किया। हालांकि इस दौरे से पहले ही ज़ेलेंस्की को स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिल चुकी थी और अब तक ज़ेलेंस्की इस क्रूज मिसाइल से कुछ खास नहीं कर पाए। अब देखिए, ज़ेलेंस्की को जर्मनी से मिली तोप का खतरनाक रूप। रूस के ठिकानों से आग के गोले बरसाती ये है जर्मनी की सबसे भरोसेमंद आर्टिलरी, नाम है BZH-2000। जर्मनी की ये तोप यूक्रेन में रूस की फौज पर कयामत बनकर टूट रही है। ये बखमूत का वो बचा खुचा इलाका है जहां ज़ेलेंस्की की फौज अब भी मौजूद है और यहाँ जर्मनी की इस तोप ने रूस के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। ये तोप 1 मिनट में 155 mm के 9 गोले दाग सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 36 किलोमीटर है, जबकि BZH-2000 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान है क्योंकि ये टैंक नुमा कैरियर पर माउंट करके बनाई गई है। любое оружие сейчас нам нужно в любом случае. И плохого оружия нет, если оно убивает твоего врага. Это однозначно. Чем хорошее? Высокоточная, скорострельная, мобильная. ये वो सिस्टम है जिनकी जरूरत यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज्यादा है। यही देखकर नेटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार आधुनिक हथियार भेज रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अभी इससे यूरोप के कई देशों के अलावा कतर की सेनाएं भी लड़ सकती हैं। Є санкції проти юридичних та фізичних осіб, більшість з них російські, які працюють на терор. Загалом 220 компаній та 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну і особи, через яких відбувається управління. इस वक्त यूक्रेन का युद्ध बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। युद्ध को 1.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये हमले रुकेंगे ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। दोनों तरफ हजारों या कहें कि लाखों सैनिकों की जान जा चुकी है। दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है।